आप देख रहे हैं यहाँ म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक के साथ डांस चल रहा है, भाई लोग का देख रही थी और साथ साथ में नहा भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है। आ जाओ So guys, the trip has started now. You can see सब लोग बस में बैठ चुके हैं। तो ये है हमारा कैंप जहाँ पर हमने एक दिन स्टे किया। ये ऋषिकेश के आउटस्कर्ट में है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो कैंपिंग ज़रूर करिएगा, इसका भी एक अलग ही मज़ा है और यहाँ का आप व्यू तो देख ही सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक के साथ डांस चल रहा है, भाई लोग का देख रही थी और साथ साथ में नहा भी रहे हैं, मजा आ रहा है। सो गाइस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेरी हॉट। कैसा लग रहा है अभी? हॉट वेरी लकी। लकी सर कैसा लग रहा है? रिवर राफ्टिंग करके कैसा लगा? तो मजा आया पहले। अच्छा, मतलब देखते और कहां जा रहे हैं। आप तो गए भी हो गए थे लेकिन राफ्टिंग में हमारे हमारे को पायलट थे और ये चले ही गए। हमारे पायलट तो चले गए थे, को पायलट भी चले गए। हाय शुभम, हाउ आर यू? फाइन, गुड। कैसा लग रहा है अभी आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ग्रुप ट्रिप करवा रहा हूं। सो इट्स वेरी हॉट। अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग तपोवन जा रहे हैं। तपोवन जा रहे हैं, ओके। मतलब लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, ओके, जो भी मतलब ओके। फिलहाल गर्मी बहुत है इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम पास वाला टाइम चल रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम हो या ठीक है गर्मी कम हो तो फिर श्योर अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ। या लेट्स गो देन। तो ये है ऋषिकेश का लोकल मार्केट जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं बहुत ही रीजनेबल रेट में। मार्केट विजिट करने के बाद हम सभी लोग लंच करने एक अच्छे से रेस्टोरेंट चले गए। क्या ऑर्डर किया आपने?
मसाला डोसा। आपने? मेरा वेज चाउमीन और गर्मी के लिए मिक्स रायता। आपने क्या ऑर्डर किया? राहुल दाल चावल। और एज यूजुअल मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, मैंने तो सोडा पिया है, दो ग्लास कॉफी। राहुल के में से खाऊंगी थोड़ा सा और सबके में से खाऊंगी। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जरूर आइएगा। यहाँ पर डेली बेसिस पर लंगर होता है जहाँ पर आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं और रुकने के लिए भी यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं। सो अब यहाँ पे शो स्टॉपर आ गए हैं शुभम भैया। तो शुभम भैया हम कौन सी लोकेशन पे हैं यहाँ पे? अभी हम लोग आए हैं जानकी ब्रिज, जिसको जैसा कि सीता मैया को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, तो सीता पुल भी कहते हैं और जानकी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे नया ब्रिज बन के तैयार हुआ है और यहाँ से इस पार से उस पार जाते हैं तो उधर गीता भवन है, परमार्थ निकेतन है, जो कई बड़े बड़े आश्रम है। यहाँ से जो आप देख रहे होंगे ये पिंक कलर की बिल्डिंग्स वो है, वहाँ पे घंटाघर जैसा भी बना हुआ है। आरती वहाँ पे भी होती है, आरती यहाँ पर भी होती है, आरती त्रिवेणी घाट पे भी होती है, मतलब एक पूरा माहौल होता है। और ये साथ में यहाँ पे लाइटिंग्स हो जाती हैं धीरे धीरे, अभी जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे लाइटिंग्स होगी और यहाँ पे ऐसी भीड़ भाड़ बढ़ती जाएगी। सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग आएंगे, बहुत अच्छा मौसम रहता है, हवा वगैरह चलती है, अभी शाम को भी अच्छा मौसम हो जाएगा। और बाकी सामने उधर साइड जो देख रहे हैं वो राम झूला है और उसके आगे जाएंगे तो लक्ष्मण झूला पड़ेगा। तो सारे झूले यहाँ से मतलब एक नज़र में केवल लक्ष्मण झूला नहीं दिखेगा, बाकी उस पार में कई सारे आश्रम भी हैं। आश्रम मीन्स रियल के आश्रम, जो कि कई सारे साधु जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज उनको दिया गया है, उनको पूरा रहने के लिए दिया हुआ है और पूरा प्रॉपर वो मेंटेन करते हैं। आश्रम जैसा होता है, कुटिया जैसी होती है, वो सारा उस तरफ आगे की तरफ बनाया गया, आगे बहुत अच्छे से डेवलप किया गया। तो शुभम भैया हमें भी वहाँ पे रुकना अलाउड है या फिर हम लोग नहीं रुक सकते? रुक सकते हैं, रुकना वहाँ पे उनके आश्रम में नहीं है, आप देख सकते हैं बाहर से आश्रम देख सकते हैं और ये सब गीता भवन और नॉले यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते रूम्स वगैरह आश्रम में मतलब रहने को भी मिल जाते हैं। ओके, उनके हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बाकी व्यूज तो है ही यहाँ पे। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्या विजिट करने वाले हैं? नेक्स्ट अभी हम यहाँ से उस पार जाएंगे। ओके, उस पार से वॉक करते हुए पहुँचेंगे राम झूला तक। तो हम लोग ये ब्रिज से जाएंगे उस पार? हाँ, ब्रिज से उस पार जाएंगे। ओके, क्योंकि राम झूला से वापस इसलिए आ रहे हैं, हम चाहते तो लक्ष्मण झूला तक जा सकते थे पर वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण झूला क्लोज है, नहीं तो आगे तक जाते और एकदम लास्ट तक जहाँ तक पूरा एक आपको पूरा वो यहाँ का किनारा है पूरा आपको दिखता। ओके, ये चीज़ है यहाँ। ओके शुभम भैया, इधर कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइज ये है राम झूला और अभी हम इस पे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस पे चलने पे ऐसा लगता है कि ये हिल रहा है, ये एक्चुअली हिलता बहुत है। अभी भी हम लोग इस पे वॉक कर रहे हैं तो ये हिल रहा है, ऐसा लग रहा है झूले पे हैं हम लोग, थोड़ा सा ये हिलता है शेक करता है इसलिए इसे राम झूला कहा जाता है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है और डेली बेसिस पे इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो ये है हमारे कैंप का नाइट व्यू जो कि अपने आप में ही बहुत अमेजिंग है और यहाँ पर नाइट में बहुत मज़ा आता है।
अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से अब हम लोग ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। कैंप हमारा थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है ऋषिकेश के। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, और जस्ट उधर की साइड नर्मदा नदी है, वहाँ पे इन लोगों ने छोटा सा स्विमिंग पूल काइंड ऑफ बना रखा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे कार्स भी खड़ी हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी नहा रहे हैं। अभी हम लोग भी मॉर्निंग में गए थे, तो बस अभी ये ट्रैवलर है हमारी, ये ट्रैवलर से हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश से हम लोगों ने प्लान किया है देहरादून जाने का। देहरादून से फिर हम आगे देखते हैं कहाँ जाना है, बट अभी हम लोग दो तीन लोकेशन और कवर करने वाले हैं। तो ऋषिकेश से आगे का जो हमारा ट्रिप रहेगा वो हमारा सोलो ट्रिप है। अभी तक हम लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, बट इसके बाद का जो भी ट्रिप रहेगा वो हमारा सोलो ट्रिप रहेगा। एक और ब्लॉगर हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये ट्रिप को लेके? नॉट गुड। व्हाई? बिकॉज कुछ भी, मतलब एक ये प्लानिंग से नहीं हुआ, बस हो गया। अच्छा, ये प्लानिंग से नहीं हुआ। आए वहाँ से दिल्ली से, तो आने के बाद प्रोग्राम था रेस्ट करके निकलने का, मार्केट एक्सप्लोर करने का और झूला वाला जाने का। तो आते के साथ नींद में लोग तो आए, एक तो झूल डाल के उसके बाद आते के साथ चलो भाई पहले राफ्टिंग करो। अच्छा, राफ्टिंग करने मतलब राफ्टिंग किया, उसके बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि धूप का, करेक्ट, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। मेन टाइम था कि धूप के टाइम में राफ्टिंग करने का और सुबह सुबह रेस्ट करने का। करेक्ट, तो वो चीज हुआ नहीं कि हम सुबह सुबह आए बस राफ्टिंग करने लगे और उसके बाद जब यहाँ पे आ रहे हैं तो धूप में रेस्ट भी नहीं कर पाए। करेक्ट, जब मार्केट एक्सप्लोर करने निकले झूला वूला के पास तो गर्मी से चल चल के परेशान। हाँ, एक तो गर्मी में यहाँ पे कैंपिंग में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो गया क्योंकि कुछ सिस्टम से नहीं हुआ ना। बाकी देखा जाएगा, यही तो लाइफ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का नेक्स्ट आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं? तो अभी तो शायद हरिद्वार सब लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो मसूरी निकल जाओ। हम लोग यहाँ से फिर ऋषिकेश उतरेंगे, ऋषिकेश से हम लोग देहरादून जाएंगे। तो हरिद्वार जाके देखते हैं कैसा रहता है, अभी तक जैसा कोई रूल में नहीं था वैसा रहता ना, क्या रहता। फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे और दिल्ली से फिर कोलकाता। आपके चैनल का नाम क्या है सर? आमिर वर्ल्ड। तो गाइज आप आमिर वर्ल्ड को भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालते हैं ये भी। आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आने वाला है? नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आ जाएगा, दो दिन के अंदर। अच्छा, दो तीन दिन में आ जाएगा। ऋषिकेश व्लॉग भी आ जाएगी और बाकी फिर आगे का प्लानिंग कोलकाता जाके होगी। चलिए फिर चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं ऋषिकेश। सो गाइज वी आर लीविंग फॉर ऋषिकेश, और आप देख सकते हैं सारे लोग जा रहे हैं। बाय बाय। कौन कौन का क्या प्लान है फिर अभी? नेक्स्ट ट्रिप क्या है? घर जाने का। एक्चुअली ना धूप बहुत ज्यादा था, तो जिसकी वजह से इतना एंजॉय नहीं कर पाया ना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, 40 प्लस होगा आई गेस। रिवर राफ्टिंग में सबने कैसा एंजॉय किया? सो रिवर राफ्टिंग आई थिंक वॉज द फर्स्ट थिंग विच वी वर वी इंजॉयड अ लॉट, राइट? या एवरीवन इंजॉयड इट, राइट? ओके, किस किस को डर लगा था रिवर राफ्टिंग में? मैं, मुझे ही डर लगा था सबसे ज्यादा। मुझे ही सबसे ज्यादा डर लगा और मैं ही सबसे पूछ रहा हुआ। बट बाय द वे मुझे इतना डर लगा था, बट इनिशियली डर लगा था, बट उसके बाद जाके बहुत मजा भी आया था, एंड इट वाज फन ओनली। मजा तब आता है जब हमारी बोट पलट गई। ओ भाई क्या बोल रहे हो, तब तो मजा नहीं आता। हमारे तो पायलट एक टाइम के लिए एक टाइम ही गायब हो गए। हां एक्चुअली हमारा पायलट और को पायलट दोनों गायब। एक टाइम के लिए मुझे लगा कि यार पलट जाना चाहिए यार। नहीं नहीं भाई क्या बोल रहे हो यार, तैरते भी नहीं आता हमको। तो टीम बड़ी अच्छी है, टीम बड़ी अच्छी है। एंड हमारे साथ जो राफ्टिंग में थे, हमारी टीम तो बहुत ही अच्छी थी एक्चुअली, एंड सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब सबसे मिलके मुझे तो बड़ा मजा आया। ठीक है गाइस, फिर हम लोग तो यहाँ पर ऋषिकेश में उतर जाएंगे। ऋषिकेश में उतरने के बाद देन विल गो टू देहरादून, और भी आगे के प्लान्स हैं। देन विल मीट यू गाइस, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच। साउंड नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, लॉक कर लो सब अच्छे से।